हेलो एवरीवन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रॉयल इनफील्ड के हेडलाइट असेंबली राजदूत में इंस्टॉल करूंगा। इसके लिए आपको HD CL2 मॉडल की हेडलाइट डूम और रॉयल इनफील्ड की हेडलाइट असेंबली चाहिए। इसमें दो नट वेल्डिंग करवाने होंगे जिसमें कि हेडलाइट का इनर रिंग फिट हो जाए। वेल्डिंग के बाद इसका कलर जल गया है इसलिए इसे पेंट कर देते हैं। दस मिनट के बाद इसमें दूसरा कोट लगाना पड़ेगा। ये कलर ठीक से हो नहीं पाया है इसलिए दूसरा कोट भी लगा देते हैं। शाइनिंग तो बड़ी अच्छी आ रही है इसमें। ये थोड़ा सा ऊपर में रह गया था, इसको भी कलर कर देते हैं। कलर पूरा सूख गया। ये वो दो नट है जो मैंने कहा था कि वेल्डिंग करवाने होंगे आपको। एक ये रहा और एक ये रहा, इसी में इनर रिंग का दो नट फंसता है। और ये ऊपर वाले पोजीशन को हम प्लास से नीचे की ओर दबा देंगे जिससे कि इनर रिंग का वो टॉप वाला नट, ये ऊपर में जो लगा हुआ है, वो फिट हो जाए। इसे हम फिट करके चेक कर लेते हैं कि सही से लग रहा है नहीं, उसके बाद हम बाइक में इंस्टॉल करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे बस अब बाइक में फिट करना है। चलिए इसको बाइक में फिट करते हैं। इसको फिट करने के लिए हमें पुराने वाले हेडलाइट असेंबली को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये हेडलाइट का रिंग बाहर निकाल लेते हैं। बल्ब निकाल के फिर वापस यही बल्ब लगाना है। फिर इंडिकेटर को खोल के पिछले वाली हेडलाइट रिंग को बाहर निकालते हैं। हेडलाइट डूम हमने बाहर कर दिया। अब नई वाली हेडलाइट डूम में वायर जाने की जगह कम है इसलिए इसको हम कटर से काट के थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद फिर इसे इसमें इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते हैं इसमें। उसके बाद वायरिंग को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आउटर रिंग और इनर रिंग को इसमें फिट करेंगे। आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि एडिटिंग तो अपने हाथ में है। अब इसका इनर रिंग इसमें इंस्टॉल करते हैं। बहुत आसान है क्योंकि नट इसमें वेल्डिंग मैंने करवा दिया है।
अब बस साइड से दो बोल्ट इसमें लगेंगे और ऊपर का जो पट्टी जैसे रहता है वो लगेगा, उसके बाद ये पूरा फिट हो जाएगा। ऊपर वाले नट को थोड़ा सा लूज कर दूंगा, नीचे में ये होल है उसमें वो फंसाने वाला रहता है उसमें हम फंसा देंगे, और ऊपर में जो पत्ती जैसी रहती है उसको हम सीधे से पुश करेंगे तो ये पत्ती इसके नीचे से फंस जाती है और ऊपर वाले नट को हम टाइट कर देंगे, इससे हमारी ये हेडलाइट असेंबली पूरा टाइट हो जाएगा। ये रही हमारी हेडलाइट असेंबली रॉयल इनफील्ड की जो हमने राजदूत में इंस्टॉल की। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।